तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंडिया और अमेरिका की एक डिफेंस डील। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया और अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी मेगा डील होने जा रही है। अभी रिसेंटली लॉयड ऑस्टिन नामक डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका इंडिया आए थे और अजीत डोवाल और राजनाथ सिंह से मीटिंग करी थी। और अभी हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो डील है ये किस चीज की है, क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। तो इसके पीछे रीजन है चाइना। चाइना इस समय बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया है, हर कंट्री पे अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सबको पता है इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है और इसलिए अमेरिका काउंटर करना चाहता है चाइना को, जिसके कारण अमेरिका हमारे साथ ये डील कर रहा है। के अंदर हमारे देश का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिकल के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो रही है। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिकल हमें एक इंडिजीनियस जेट इंजन दे रहा है, तेजस मार्क टू, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक फाइटर जेट है। और जनरल इलेक्ट्रिकल जो हमें इंडिजीनियस जेट इंजन दे रहा है ये ऑलरेडी उनके एक F-18 नामक सुपर हॉर्नेट में यूज होता है। F-18 उनके सबसे ज्यादा यूज फाइटर प्लेन्स में से एक है। इनके अभी भी मैक्सिमम रनिंग प्लेन्स अमेरिका के जो है वो F-18 ही है और बहुत ही टेस्टेड और हाईली सेफ इंजन है ये। और ये जेट इंजन हमें अपने तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, इंडिया ने ऑलरेडी 83 मार्क 1 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर प्लेस कर रखा है 48,000 करोड़ रुपीज का टू HAL, और उस दौरान मार्क 2 का टेस्टिंग चल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मार्क 2 है, तेजस मार्क 2 है, वो मार्क 1 से बड़ा है, पर इंजन दोनों में सेम है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि उस लेवल का थ्रस्ट क्रिएट नहीं हो पा। इसके बाद क्योंकि वो साइज में बड़ा है तो फ्यूलिंग ज्यादा हो सकेगी, उसमें पे लोड ज्यादा लग सकता है, बम ले जाने की ज्यादा क्षमता हो जाएगी उसमें, और इट वुड बी मोर मैन्यूवरेबल और किसी भी देश में काफी अंदर तक जाके बम गिरा सकता है वो। इस इंजन को लगाने के बाद तेजस मार्क 2 वर्ल्ड के टॉप फाइटर प्लेन्स में से भी कंसिडर करना शुरू हो जाएगा और इंडिया उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑफर कर सकती है और कंट्रीज को खरीदने के लिए। और इस अपग्रेडेशन के बाद तेजस एक फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन भी हो जाएगा। वो बात और है कि इस समय फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो अमेरिका के पास है, F-35, F-22, F-22 रैप्टर्स, वेयर एज एन चाइना और रशिया भी क्लेम करते हैं कि उनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं जिनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं जो रडार में पकड़ में नहीं आ सकते, बट वो अभी भी अंडर टेस्टिंग है और अभी तक क्लियर नहीं है कि दे आर फुल्ली फंक्शनल और नॉट। ये डील कैसे होगी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून को अमेरिका जा रहे हैं स्पेशली इस डील के लिए और कुछ और कामों के लिए भी, और उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि जो हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी हम किसी और को शेयर नहीं करेंगे। बेंगलुरु में HAL का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे इस इंजन को प्रोड्यूस करा जाएगा और इन टेस्टिंग को कम से कम 1 साल लगेगा और उसके बाद 2027 में या 2028 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट ली जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी ये स्टेजेस में होगी, एक साथ होगी, ये सारे उन डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कस करा जाएगा जब मोदी जी वहाँ जाएंगे। इसमें जब एक बारी ये नया इंडिजीनियस इंजन लग जाएगा उसके बाद तेजस के पास एक शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपको पता होगा इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके लिए तेजस मार्क 2 बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अगर किसी को भी उन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का क्या नाम है। मोदी जी जब ऑब्वियसली अमेरिका जाएंगे तो जो बाइडेन से मिलेंगे व्हाइट हाउस में, उसके बाद जो ये हमारी डील होगी ये उनके पार्लियामेंट में पास होगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, BJP, कांग्रेस, सपा, आप, वैसे अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इस समय दोनों ही पार्टीज़ इंडिया को फेवर करती हैं, इसलिए इस डील में रुकने के कोई चांसेस नहीं है। इसके अलावा फरवरी में अजीत डोवाल अमेरिका गए थे जैक सुलियन से मिलने, वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है टू दी प्रेजिडेंट। अमेरिका को सिक्योर रखने के लिए एक एडवाइज़र हमेशा होता है जो प्रेजिडेंट को गाइड करता रहता है उनके डिसीजंस और चीज़ों के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, तेजस मार्क 1 में GEF-404 इंजन लगा है और जो हमारी डील साइन हो रही है वो GEF-414 है, जो बहुत ही पावरफुल इंजन है इन कंपैरिजन टू 404। जो 414 है जनरल इलेक्ट्रिकल का, वो इनके एक F-18 नामक सुपर हॉर्नेट में भी यूज़ करा जाता है, जो लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकन इजराइल कंपनी है वो इनके लिए फाइटर्स बनाती है। और इसके अलावा
अगर हमारी ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सपोज डील नहीं होती तो शायद हमारी ये डील किसी फ्रांस की कंपनी या रोल्स रॉयस से भी हो सकती थी, जो अमेरिका नहीं चाहता था। हो वो चाहता था कि ये डील उनकी इंडिया के साथ ही हो, क्योंकि करंटली अमेरिका की इकनॉमी भी काफ़ी नीचे जा रही है और ये एक तरह से उनके लिए बूस्ट ही होगा कि अगर इंडिया से इतनी बड़ी डील उनकी फाइनलाइज हो जाती है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे व्यूअर्स से, कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान के पास एफ सीरीज का कौन सा फाइटर प्लेन है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अभिनंदन ने उस प्लेन को गिराया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज भी अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को टू अपग्रेड दीज फाइटर्स ऑल्सो। वैसे ये फाइटर्स इनको टेररिज्म के लिए फाइट करने के लिए दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने ये फाइटर्स हमारे इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करे थे।